हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आदर्श विद्या मंथ की लोकप्रिय। मैं संदीप कुमार आपका आदर्श मंथ में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है, मैं आपके सामने डेली साइंस से एक लेक्चर प्रेजेंट करता हूँ। आज उसी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले दोनों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे मैथमेटिकल टर्म में दूरी कैसे निकाला जाता है और विस्थापन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। देखते हैं, कोई गतिशील वस्तु जिस पथ पर गमन करती है उस पथ को गतिपथ कहते हैं। सर, हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं गतिपथ का। पहले गतिपथ का एग्जाम्पल ले, सपोज ये कोई रास्ता है, यहां से कोई वस्तु वस्तु गुजर रही है, तो जो वस्तु गुजर रही है जिस पथ पे होते गुजरती है उस पथ को गतिपथ कहा जाता है। अगला लेते हैं दूरी, डिस्टेंस क्या होता है। किसी गतिशील पिंड द्वारा गतिपथ पर तय की गई वास्तविक रैखिक लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। ये गतिपथ है। यहां पे कोई बॉय है, ये यहां, और इसकी जो दूरी है वो मान लेते हैं 40 किलोमीटर है। तो ये बच्चा के द्वारा इस गतिपथ पर जितनी दूरी तय की गई उस रैखिक लंबाई को दूरी कहते हैं। अगला विस्थापन, किसी खास दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। हम लोग एक कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसके द्वारा क्लियर करते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। एग्जांपल है आपके सामने, एक साइकिल सवार ये से यात्रा शुरू कर 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में बी तक पहुंचता है, फिर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी तय कर सी पर पहुंचता है, अंततः अंत में सी से दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलकर डी तक पहुंचता है। साइकिल सवार द्वारा तय की गई पूरी यात्रा में हम लोग जो फाइंड आउट करना है, पहले निकालना है साइकिल सवार के द्वारा तय की गई दूरी निकालना है और विस्थापन उसका निकालना है। फर्स्ट जो हम लोग निकालते हैं तय की गई दूरी निकालते हैं, तय की गई दूरी। सपोज कुछ आप सामने, पहले बताता हूँ डायरेक्शन क्या होता है। हम लोग जो डिनोट करते हैं, इधर होता है ईस्ट, पूरब, इधर वेस्ट, पश्चिम, नॉर्थ, उत्तर एंड साउथ, दक्षिण। ये जो डायरेक्शन होती है और नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, ये जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट कहलाती है, ये जो डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट कहलाती है, और ये जो डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट कहलाती है। पहले हम निकालते हैं तय की दूरी। तय की दूरी होता है वस्तु द्वारा पथ पर तय की गई कुल लंबाई। देखते हैं पहले कि ये जो दिया मैथमेटिकल टर्म उसको पहले सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पहुंच गया हूं। पहले जो है एक साइकिल सवार ये से आता शुरू करता है 3 किलोमीटर तक जाता है, यहाँ ये शुरू करेगा और 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाएगा, यहाँ पे बी बिंदु है, ठीक। फिर बोल रहा है बी तक पहुंचता है, फिर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, यहां से पूर्व दिशा की ओर जाता है सी तक और 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर अंततः सी से दक्षिण दिशा की ओर 3 किलोमीटर दूरी करता है, फिर यहां से नीचे की ओर आता है डी बिंदु तक 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, तय की गई दूरी बराबर वस्तु द्वारा पथ पर तय की गई कुल लंबाई। इसकी लंबाई निकालते हैं हम लोग। पहले जो लंबाई होगा ए बी होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी
यहाँ हम लोग देख पाते हैं कि एबी की लंबाई 3 किलोमीटर, बीसी की लंबाई 4 किलोमीटर और सीडी की लंबाई 3 किलोमीटर, अर्थात 3, 3, 6 और 4, 10 टोटल तय की दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगी। सेकेंड नंबर बी में विस्थापन, विस्थापन बराबर हो जाएगा यहां पे ए से डी तक तय की गई न्यूनतम दूरी ए से डी तक मिलाने वाली सरल रेखाखंड खंड की लंबाई, जिसे हम लोग यहां देख पा रहे हैं ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है 3 किलोमीटर और यहां से यहां 4 किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है ए से डी तक की दूरी जो हो जाएगा 4 किलोमीटर हो जाएगा, अर्थात विस्थापन बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर। उम्मीद करता हूं आपको आपको दूरी और विस्थापन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। कल हम लोग दूरी और विस्थापन के पर फिर से चर्चा करेंगे, इस पे जो संबंध देखेंगे, जो क्या समझ है। तो के लिए बाय, थैंक यू।